हे वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस घर में मतलब इस बैकग्राउंड के साथ इस घर में मेरा ये लास्ट वीडियो है, लास्ट लास्ट ही वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि शायद दो वीडियो या 3 वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ चैनल में। उसके बाद से तुम लोग ये घर नहीं देखोगे, कोई और ही बैकग्राउंड होगा। ये घर जो है वो खाली होने वाला है। अब मतलब एक कोना पकड़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि घर का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है। नया घर में शिफ्ट, मतलब वो नया तो नहीं है, मेरा मम्मी पापा का घर है, वहाँ पे रहने का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने ये घर चूज़ किया था रहने के लिए। इसमें ही पूरा का पूरा कंटेंट, समझ रहे हो ना? तो अभी वो घर बन रहा है मेरा, वहाँ पे सेटअप बन रहा है पूरा का पूरा, तुम लोग आने वाले वीडियो में देख ही लोगे। तो अभी ये घर जो है वो छोड़ना पड़ेगा। देखो, खुशी तो हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं अपने मम्मी पापा के घर में, मतलब उस घर में सभी के साथ रहने वाला हूँ और नई तरीके से शुरुआत करना चाहता हूँ पूरा का पूरा। तो तुम लोगों के सपोर्ट चाहिए, बहुत ही ज़ोरों से सपोर्ट चाहिए, ठीक है? नया शुरुआत है इसीलिए सपोर्ट ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और दुख इस बात के लिए क्योंकि मतलब इमोशनल, थोड़ा सा इमोशन में बह चुका हूँ, मैं इमोशनल हो चुका हूँ। रात के अभी 3 बजे हैं तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये लास्ट दिन है। अभी घर खाली हो जाएगा सुबह को, अगले दिन सुबह को। तो क्योंकि 6 साल, 8 साल, क्योंकि 8 साल इस घर में मैंने वक्त बिताया, इस घर के साथ मेरा पूरा का पूरा क्या बताऊँ, बहुत ही सारे मीठे कड़वे यादें जुड़ी है। दिल टूटा, लोगों ने धोखा दिया, दोस्तों ने फ्रॉड किया, मतलब मैं यहाँ पे आके दरवाज़ा बंद कर देता था, रोता था, हंसता था। ये दीवारें पूरा का पूरा उसका गवाह है। तो जब मैं रोता था तो ये दीवारें ने मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया, ठीक है? तो थोड़ा सा तो इमोशनल होऊंगा ही, क्योंकि हाँ मतलब रेंट का हाउस है, मगर फिर भी जब भी मेरा मूड खराब होता था तो इस घर में आता था। उसके बाद बंद करके कमरे वगैरह सब, मतलब दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता था, गाना सुनता था, अकेले ही टाइम स्पेंड किया। उसके बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में तो पूरा का पूरा इस घर में ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस घर में ही बिताया। तो तभी मुझे आइडिया आया कि यूट्यूब चैनल खोलना है, तो यूट्यूब चैनल खोल के इसी घर में ही सेटअप वगैरह सब कुछ बना दिया है। लाइटिंग अभी नहीं है, लाइटिंग शिफ्ट हो चुका है पूरा का पूरा, इसलिए तुम लोगों को ये जो पिक्चर है थोड़ा सा पता नहीं क्या कैसे दिख रहा है, कैसा नहीं है। तो पूरा का पूरा वो घर बन रहा है, तो तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए नया शुरुआत करने के लिए, ठीक है ना? तुम लोग देखो गाइस, मैं मानता हूँ कि हर लोग मतलब हर किसी का टेस्ट अलग होता है, तो तुम लोग शायद मेरा वीडियो देखना नहीं चाहते, इसलिए अभी वीडियो में बहुत ही व्यूज़ कम आ चुका है, ठीक है? आ रहा है ये 10 व्यू, 17 व्यू, 16 व्यू, आगे तो भाई 30-50 आता था, ठीक है? देखो गाइस, तुम लोग अगर नहीं देखना चाहते हो, ठीक है, कोई नहीं, मगर हर एक दिन को छोड़कर या 2 दिन को छोड़कर मैं वीडियो डालता हूँ, उसको क्या करना है गाइस, थोड़ा सा शेयर करना है, ठीक है ना? यही तुम लोगों से बस चाहता हूँ, मगर तुम लोग कोई मतलब देते नहीं हो। बर्थडे वाले ब्लॉग पे भी मैंने कहा था कि तुम लोग अगर 100 सब्सक्राइबर दे दोगे कि अप्रैल के महीने में, मतलब अभी तो 100 भी नहीं हुआ है, 100 सब्सक्राइबर होने वाला था, मगर कुछ लोग है अनसब्सक्राइब करके चले गए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर अभी से क्या होगा कि हर हफ्ते मैं 4 से 5 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, और कभी कभी तो एक दिन में ही, मतलब क्या बताऊँ, एक दिन छोड़ा भी नहीं जाता, ठीक है? हर हर रोज़ डालता हूँ, ठीक है? ऐसे करके हर रोज़ डालने की कोशिश करूँगा, या एक हफ्ते में कोशिश करूँगा कि 4 से 5 वीडियो आए, ठीक है? तो मेहनत तो बहुत ही कर रहा हूँ, तुम लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है ना? तुम लोग वीडियो को, जितने भी गेमिंग वीडियो है, तो शेयर करना, ज़रूर ज़रूर शेयर करना, ठीक है ना? एक लाइक करके जाना, कमेंट भी करके जाना, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो मैनेज हो जाए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन आए। देखो, तुम लोग शेयर जब करोगे, तुम लोग नहीं देखते हो, मगर जब तुम लोग शेयर करोगे, कोई ना कोई तो देखेगा ना, किसी का मतलब
तुम लोगों के व्हाट्सएप में अगर 30-40 स्टेटस, तुम लोग अगर व्हाट्सएप में स्टेटस देते हो तो 30-40 तो व्यूज़ आ जाते हैं तुम लोगों का। मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं है तो 5-6 ऐसे कुछ स्टेटस आता है, स्टेटस में व्यूज़ आता है, मगर तुम लोगों के दोस्त वगैरह सब कुछ बहुत है। तो तुम लोगों के दोस्त में से अगर 30 में से अगर 10 भी बंदे देखे तो बहुत ही मेरे लिए बहुत है। अब मुझे पता नहीं कि इस वीडियो में व्यूज़ कितना आएगा, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा रॉ वीडियो मैं बना रहा हूँ, कोई भी कट नहीं है, के छोटा सा एडिट करूँगा। मतलब एडिट मतलब वही एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो रॉ वीडियो रिकॉर्ड होगा वो 3-4 GB का बन जाएगा, उसको मुझे छोटा करना है, ठीक है। तो तभी मैं यूट्यूब में डाउनलोड कर मतलब अपलोड कर पाऊँगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो नया सेटअप के लिए, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो भाई लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ही ज़ोरों से चालू हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्लान है ये कि वाईफाई सेटअप करूँ, ठीक है, तब मेरा इंटरनेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो लाइव भी कर पाऊँगा और कंप्यूटर भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखा दो, तुम लोगों का सपोर्ट दिखाओगे कंटेंट में इम्प्रूव, तुम लोग अगर पहले वाले कंटेंट देखोगे और आज का कंटेंट देखोगे बहुत ही इम्प्रूवमेंट मुझे तो नज़र आया है। तुम लोगों को पता नहीं भाई, तुम लोग तो देखते भी नहीं हो, तुम लोगों को कैसे पता चलेगा, है ना। तो कोशिश करो गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बस कुछ नहीं बोलना है, बस अभी मुझे जाना पड़ेगा इस घर से, सुबह को काम शुरू हो जाएगा। मतलब जितने भी सामान है वो मतलब 90% सामान तो चला जा चुका है वहाँ पे मेरे घर में, और 10% जो सामान है, छोटा छोटा जो सामान है वो जाना बाकी है अभी अभी। तो सॉरी ये क्या दिखा दिया मैंने धूल जमा है भाई, ठीक है। तो गाइज़ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।